स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने वाली आलिया भट्ट आज इंडस्ट्री की सुपरहिट एक्ट्रेसेस में से एक हैं। आलिया ने अपने करियर में राजी और हाईवे जैसी कई धमाकेदार फिल्म दी और इसके बाद हाल ही में रिलीज हुई उनकी फिल्म गली बॉय में भी उनकी खूब तारीफ हो रही है और अब आलिया के फैंस उनकी अगली फिल्म ब्रह्मास्त्र का काफी बेसब्री से वेट कर रहे हैं और एक के बाद एक सक्सेसफुल फिल्में देने के बाद आज आलिया इंडस्ट्री की नंबर वन हीरोइन बन गई हैं और न केवल बॉलीवुड बल्कि साउथ इंडस्ट्री में भी आलिया का नाम फेमस हो चुका है। जी हाँ, उनके पास कई बड़ी साउथ फिल्मों के ऑफर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ समय पहले आलिया के पास बाहुबली डायरेक्टर राजा मौली की अपकमिंग फिल्म RRR का ऑफर आया था, लेकिन आलिया ने इस ऑफर को ठुकरा दिया है। जी हाँ, दरअसल सूत्रों ने मीडिया को इन्फॉर्मेशन दी कि आलिया को इस फिल्म के लिए अच्छी खासी फीस भी मिल रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस फिल्म के लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाया। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि आलिया ने इतने बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने से इनकार कर दिया, तो हम आपको बता दें कि इसका रीजन सिर्फ इतना है कि उनके पास वक्त की काफी कमी है। दरअसल जब आलिया के पास RRR का ऑफर आया था तो वो उस समय गली बॉय के प्रमोशन में बिजी थी। इसके साथ साथ वो रणबीर कपूर के साथ ब्रह्मास्त्र और करण जौहर की तख्त और पापा महेश भट्ट की सड़क 2 जैसी फिल्में भी कर रही हैं और यही वजह है कि वो राजा मौली की RRR को साइन नहीं कर पाई। सूत्र ने मुंबई मिरर को बताया कि आलिया के आने वाले कुछ महीने बिल्कुल भी फ्री नहीं है, वो लगातार अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। यही वजह है कि उन्होंने राजा मौली के साथ काम करने से अभी इनकार कर दिया है, लेकिन हो सकता है कि हम आलिया को फ्यूचर में राजा मौली की किसी फिल्म में देख सकें। लेकिन जरा सोचिए, अगर आलिया इस फिल्म में नजर आती तो उन्हें RS राजा मौली की फिल्म में देखना उनके फैंस के लिए काफी एक्साइटिंग होता। फिलहाल आलिया के फैंस, आप उनके इस फैसले पर क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।